हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी किचन। नंदिनी किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं आपके लिए ले आई हूँ आलू भिंडी दो प्याजा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे बनाकर रेडी रखा है। आप इसे एक बार बनाइए, ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी होती है। हमारे यहाँ तो इस तरीके से आलू भिंडी बहुत बनती है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नंदिनी किचन। आलू भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे गैस पर एक कढ़ाई और उसे अच्छे से हीट करेंगे। ये नहीं कि हल्का सा हीट किया और ऑयल डाल दिया। कढ़ाई हमारे अच्छे से हीट रहेगी तो सब्जी हमारी चिपकेगी नहीं। फिर हम उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप जो ऑयल यूज़ करते हो सब्जी बनाने के लिए वो डाल सकते हैं। ऑयल अच्छे से हीट हो जाने पे हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पचफोरन, ये जो सौंफ का मिक्स मसाला होता है वो, और 2 हरी मिर्ची। आप चाहे तो रेड चिली भी ले सकते हैं, मैंने हरी मिर्ची डाला है। और जब ये खटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए 2 आलू। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इस तरीके से लंबे स्लाइसेस में पतले पतले कट कर लिए हैं। हाई फ्लेम पे चलाते हुए 2 मिनट के लिए हम आलूओं को इसी तरीके से तल लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें हल्का सा गोल्डन रेड कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट हुए हैं, आलू अच्छे से हमारा देखिए तो हल्का इस पर गोल्डन रेड कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए अनियन, ऐसे मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 1 मिनट के लिए इसे भी ऐसे ही चलाते हुए भून लीजिए। प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अब कटी हुई भिंडी। मैंने 1/2 kg भिंडी धोकर काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियों को डालने के बाद गैस का हम फ्लेम हाई रखेंगे और उसे बीच में एक एक बार चलाते जाएंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच मैंने ली है धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके फैला दीजिए। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने के बाद हमारी भिंडी जो है बहुत चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम इसी तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे फैलाकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, मैंने भिंडी को बिना ढके हुए इसी तरीके से फैलाकर चलाते हुए पकाया है और आप देख सकते हैं भिंडी का जो चिपचिपापन है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और एकदम हमारी भिंडी एक एक दाने अलग हैं और फ्रेश हैं। अब आपकी भिंडी जो है बिल्कुल चिपकेगी नहीं और टूटेगी नहीं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। अब गैस का फ्लेम कर दीजिए मीडियम और उसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप डालिए अपने स्वाद के अनुसार, मैं इसमें 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ और इसको फिर हम चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हम पलटे को बाहर नहीं निकालेंगे। आप इसी तरीके से एक लीजिए कवर या प्लेट, उससे ढक दीजिए। इस तरीके से ढक कर आप 4 से 5 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए भिंडी को पका लीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं, मैंने बीच में 1 से 2 बार चलाते हुए भिंडी को अच्छे से पका लिया। अभी भिंडी हमारी देख सकते हैं पक के बिल्कुल रेडी हो गई है, ये चिपक नहीं रही है, इसके दाने भी नहीं टूटे, एकदम फ्रेश और खिले खिले हैं। आप इस तरीके से बनाइए अपनी आलू भिंडी दो प्याजा। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से कर दीजिए मिक्स और गैस को कर दीजिए बंद। आप इसे प्लेट में सर्व करिए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, दाल चावल से खाइए। ये लीजिए फ्रेंड्स, बन के रेडी हो गई हमारी आलू भिंडी दो प्याज़ा। अब आप भी बनाइए, इसे ट्राई करिए और खा के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।